बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमत से और करम से आप सब ठीक होंगे। और आज मैं कावा चाय बना रहा हूँ, इसीलिए आज आप लोगों को पैगाम दे रहा हूँ। ये मेरी बात सच है और इंशाल्लाह न्यूज़ पे चल जाएगी ये बात। और पता चला है कि किसी शाह के घर में सखर में बेबी पैदा हुआ है, तो वो अभी बोल रहा है, वो बातें कर रहा है, ये कह रहा है कि आप लोग घर में कावा चाय बना पिए और मैं 5 घंटे के लिए पैदा हुआ हूँ, तो आप लोग भी जान लीजिए मैं 5 घंटे के लिए पैदा हुआ हूँ कि 5 घंटे में आप लोग अपने घर में कावा चाय बना के पिए। और इंशाल्लाह ये जो वायरल है मैं लेके जाऊंगा और 5 घंटे में मैं इंतकाल करके जाऊंगा। और अल्लाह पाक की ये रहमत देखो और अल्लाह की ये बरकत है। और ये आप लोग देख लीजिए और न्यूज़ में भी इंशाल्लाह चल जाएगा कि सखर में एक बेबी पैदा हुआ है, वो आवाज़ें लगा रहा है कि वो कह रहा है कि मैं 5 घंटे के लिए पैदा हुआ हूँ और 5 घंटे में मैं इंतकाल करके जाऊंगा। आप लोग अपने घर में कावा चाय बन पिए, इंशाल्लाह जो ये वायरल जो बीमारी आई है मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखें और ध्यान से सुने कि ये जो वायरल आया है, बीमारी आई है और सखर में एक बेबी पैदा हुआ है, से वो भी शाह के घर में पैदा हुआ है, सैयद के घर में पैदा हुआ है। वो बातें कर रहा है, अभी शाम को कुछ घंटे पहले उनका अभी पैदा हुआ है, उनका जन्म हुआ है, तो वो आवाज़ें कह रहा है, बोल कर कह रहा है कि मैं कुछ घंटों के लिए आया हूँ कि आप लोग घर में कावा चाय बना के पिएं और इंशाल्लाह जो ये बीमारी है मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। कोरोना वायरस जो है, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। ये मेरा वीडियो मकसद बनाने का यही था और आप यकीन करें इंशाल्लाह ये न्यूज़ पे चल जाएगा। आप न्यूज़ पे देखिएगा और आप लोग भी देखिए। और ये मैंने कावा चाय बनाई है अपने घर वालों के लिए, तो आप भी जल्दी जल्दी अपने घर में बनाएं और अपने बच्चों और फैमिली को पिलाएं और अपने रिश्तेदारों को भी ये बात बता दें और ये सच है। और अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। और ये मेरी तहे दिल से दुआ है कि ये अल्लाह पाक और ये बेबी ये लेके आया है कि मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि मैं यहाँ से ये जो है ना बीमारी लेके जाऊंगा, सिर्फ 5 घंटे के लिए पैदा हुआ हूँ, फिर मैं इंतकाल करके जाऊंगा। जल्दी जल्दी अपने घर में कावा चाय बना के अपने बच्चों को पिलाए, अपने बड़ों को पिलाए, फैमिली को पिलाओ। तो ये मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का था। जल्दी जल्दी आप लोग भी अपने घर में कावा चाय बनाएं, तो मैंने भी कावा चाय बनाई है, ये आप लोग देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये बीमारी से हमें मुक्ति मिलेगी। तो चलिए जल्दी जल्दी अपने घर में कावा चाय बनाए ताकि हम भी इंशाल्लाह इस बीमारी से महफूज रहें। आमीन। जज़ाकअल्लाह खैर।